प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजय गुप्ता शिक्षा विभाग दे इस चैनल ते छेवीं जमात दे समूह विद्यार्थी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हाँ। जय हिंद, सत श्री अकाल बेटा सारियां नूं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज तुहाडी समाजिक विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है पृथ्वी सूरज परिवार का अंग, इस पाठ के संबंध के विच बेटा मैं आप जी के नाल अज कुछ जानकारी साझी कर जा रहा हाँ। ये बेटा दो तीन जड़े ने टैक्निकल शब्द ने, जिस तरह ब्रह्मांड है और अपने गलैक्सी है, ग्रह ने, उपग्रह है बेटा। तो आओ चलो आप दिखाना बेटा, आप चलते हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, तुम ये तो सर जानते हो कि अपने सूरज परिवार के अठ ग्रह ने, ठीक है जी। तो आओ तुम मैं पहले ग्रह बारे दिखावा बेटा। आ देखो, सब तो पहला तो मैं दिखा रहा बेटा सूरज। आ देखो बेटा, ये सर्कल दे विच बिल्कुल केंद्र दे विच है सूरज। तो सूरज दे आले दुआले बेटा आ देखो ये जड़े ने ये ग्रह कुमरे ने, और नाल जड़ा इन्हां दा बेटा पथ दिखाया गया है। सूरज दे सब तो जो नेड़े ग्रह है ये बुध बेटा, फिर शुक्र, तीसरे नंबर ते अपनी धरती, ते चौथे नंबर ते बेटा मंगल ग्रह। ओके, ते बेटा देखो प्यारे विद्यार्थियों, चार ग्रहों तो बाद ना आ देखो किन्ना जो है वड्डा सारा खला है बेटा, खाली स्थान है, पुलाड़ दे विच आपां खला कहने बेटा। और चार ग्रहों तो बाद फिर बहुत सारे वड्डे खला, ठीक है जी। तो ये जिहड़ा बेटा जो खाली स्थान है चार ग्रहों तो बाद आ वाला, इस खला दे विच बेटा है साड़ी एस्ट्रोइड बेल्ट। तुहानू मैं दिखाना बेटा, आ देखो इहदा मतलब ये है कि मंगल ग्रह तो बाद ते जिहड़ा अपने पंजवा ग्रह है बृहस्पति, उन्हां ग्रहां दे विचकार बहुत छोटे छोटे ग्रह ने जिन्हों असीं शूद्र ग्रह कह दिंदे आ बेटा। ओके, पूछल तारे वगैरह हो गए, कोमट्स वगैरह हो गए सारे। आ देखो ये किन्ने देखो चढ़े सारे ग्रह ने, ये पूरी एक एस्ट्रोइड पट्टी बनी हुई है बेटा। तो इस करके जो ये साड़ी एस्ट्रोइड बेल्ट है, जेडे ग्रह बेटा अंदर ने असीं उन्हां नूं अंदरूनी ग्रह कहने हाँ, और जेडे ग्रह इन्हां तों बाहर रह जांदे ने ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਈਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੂਰਜ ਪਰਿਵਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲੈਕਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਲੈਕਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਲਦੀ 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 ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਗਲੈਕਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਗਲੈਕਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਟਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ? ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਜੋ ਇਸ ਗਲੈਕਸੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੱਕਰੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਾ? ਯੈਸ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਾਇਰਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚੱਕਰੀ ਜੈਸੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਜਾਂ ਮਿਲਕੀ ਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਆ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਗਲੈਕਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ
ते बेटा ब्रह्मांड तो बहुत वड्डा है, आ देखो जिमें अपनिया अपनी जिहड़ी गलैक्सी है बेटा आकाश गंगा, उस तरह ब्रह्मांड दे विच किन्निया ही सारिया बेटा गलैक्सीज हैगी ने। तो देखो ब्रह्मांड का बेटा इन्ना वड्डा है, इन्ना वड्डा है कि असी इस दा अंदाजा ही नहीं लगा सकते बेटा। साड़ी तक जो छोटी जी बेटा गलैक्सी है आकाश गंगा, उहदे विच सोलर सिस्टम है, उहदे विच अठ ग्रह ने, उहदे विच अपनी धरती है, तो अपनी धरती दे बेटा सत महाद्वीप ने, एक एशिया महाद्वीप है, भारत है, तो उहदे विच आपां बेटा रहने हाँ। ठीक है जी, ते हुण तुसीं मैनूं दसो भी गलैक्सी वड्डी है कि ब्रह्मांड वड्डा है। हाँ जी शाबाश, हाँ जी यस, बहुत अच्छे बच्चे बेटा, यस ब्रह्मांड वड्डा है और जिहड़ी गलैक्सी है बेटा वह छोटी है। तो ब्रह्मांड दे विच बेटा लगभग 6 अरब गलैक्सियां ने, किन्नियां 6 अरब, है ना। देखो हैरानी वाली गल, हुण कल्ली कल्ली गलैक्सी ते जाना बेटा ये तो बहुत जिहड़ी साडी तां सोच तो परे दी गल है, असीं तां बेटा हाले तक पहुँच ही नहीं पाए, पर चलो हौली हौली साइंस बेटा जी जिवें तरक्की करेगी तो आप चलांगे। चलिए तुहानूं मैं वापस लै चलदा अपनी जिहड़ी गलैक्सी है बेटा आकाश गंगा। आ जा भाई गलैक्सी साडी आकाश गंगा सब तो प्यारी, आ देखो आ गई ना। हुण इहदे विच बेटा जिहड़ा है अपना सूरजी परिवार है, अपना सोलर सिस्टम है। ठीक है, आ देखो तुहानूं मैं दिखाना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ, साडा प्यारा सूरजी परिवार, ये आ देखो आ गया ना, आ देखो लो बेटा। तो एस्ट्रॉयड बैल्ट बारे तुहानूं पता लग गया बेटा, चलो आपां इहनूं एस्ट्रॉयड बैल्ट नूं इत्थों भेज दिंदे आ। ओके लो हुण देखो सूरज बेटा, सब तो पहले आपां गल जिहड़ी गल करिए सूरज बारे। सूरज देखो किन्ना वड्डा बेटा जिहड़ा सूरज है, कि सारे जिहड़े 8 दे 8 ग्रह ने सूरज दुआले घूमदे ने, और जिहड़ा इहदा केंद्र दा बेटा तापमान है ये भी बहुत ज़्यादा है। तो प्यारे बच्चों की तुसीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिहड़ा सूरज है ये किस तो मिलके बनया है। हाँ जी आ देखो आ जिहड़ा बेटा अपना सूरज, तो बेटा ये जो सूरज है घूमते हुए जिहड़े अपने बदल ने जिन्हां नूं असीं नैबूला कहने हाँ, ये उत्थों बनया है बेटा। ओके, तो अपने सूरज परिवार के विच साडे कोल बहुत सारे तारे ने बेटा, तारामंडल असीं कहने हाँ, आकाश गंगा कह दिंदे हाँ बेटा, तो घूमते हुए गैसी बदल ने जिन्हां नूं नैबूला कहने हाँ। सारे बच्चे बेटा नोट कर लैन कि जो सूरज है वह घूमते हुए गैसी बदलों जिन्हां नूं नैबूला कहा जाता है उस तो बनया है। ओके जी, और जो सूरज है बेटा ये साड़ी धरती तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हाँ जी किन्ना बेटा, 15 करोड़ किलोमीटर। तो सूरज की जिहड़ी एक रोशनी की किरण है बेटा, जो प्रकाश की किरण है वो साड़ी धरती ते आउंदे आउंदे उन्हों किन्ना समा लगता है। आ साड़ी धरती है सूरज तो दूरी के हिसाब नाल बेटा तीसरे नंबर पर है। आ देखो आ बुध ग्रह, ये शुक्र, तो ये जी साड़ी है धरती। तो इतों जिहड़ा बेटा किरण चली और धरती तक आउंदे आउंदे 15 करोड़ किलोमीटर का सफ़र तय करके इनू बेटा 8 मिनट लगते ने, और जो प्रकाश की गति है बेटा वो 1 सैकेंड 3 लाख किलोमीटर, ये तो तुहानू पता होगा। हाँ 3 लाख किलोमीटर। चलिए हुण तुहानू बेटा मैं बुध ग्रह भी दिखा देव, जिहड़ा सब तो पहला ग्रह है बुध। आ देखो बुध ग्रह बेटा सूरज दे सब तो नेड़े भी है और सब तो छोटा ग्रह भी है। ओके ये गल तुसीं बेटा याद रखनी है। आ देखो और इत्थे बेटा जिहड़ा है साडे कोल वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल ना होने करके इत्थे जीवन संभव नहीं है, और इस करके जो है इत्थे वसों पेड़ पौधे नहीं हैं बेटा। और सूरज दे नेड़े होने करके ये दिन वेले बहुत गर्म हुंदा है और रात वेले बेटा ये ठंडा हो जाता है। ओके जी आ देखो जिहड़ा बुध ग्रह है बेटा, और
हूँ तुम्हें मैं दिखावा दो नंबर से बेटा जरा है साडा ग्रह शुक्र ग्रह वो भी तुम देख लो तो एक बेटा तुम होर दस दिया मैं शुक्र ग्रह बेटा सूरज परिवार के जेडे सारे ग्रह ने बेटा केवल जी आप हम गल कर रहे हैं शुक्र शुक्र ग्रह को छड के सारे ग्रह जेडे घूमते ने पछम तो पूर्व वाल बेटा ओके सिर्फ इस ग्रह को छड के बेटा पछम तो पूर्व को बेटा याद करने वास्ते तुसी जेड़ा पछम का पप्पा तो पूर्व का पप्पू भी याद कर सकते हैं पप्पू तो मतलब पछम तो पूर्व ओके लेकिन जो शुक्र ग्रह है बेटा ये घूमता है पूर्व तो पछम आ देखो अपनी आ वाली जी दिशा है बेटा ये पूर्व है ये वाली पछम है ओके और ये जरा है पूर्व तो पछम वाले पासे बेटा घूमता है ये इस तरह पूर्व तो जाता हुआ पछम वाले ऐ घूमते हैं बेटा और जो बाकी ग्रह ने वो सारे घूमते ने पछम तो पूर्व लेकिन ये पूर्व तो पछम शुक्र ग्रह है बेटा और ए बेटा इस ग्रह को असी धरती का जुड़वा ग्रह भी कह दें क्योंकि यदा जी जो यदा जो साइज है बेटा वह लगभग शक्ल जी है धरती के नाल मिलती जुलती है तो ये धरती का जुड़वा ग्रह भी है और साड़ी धरती का ये गुआंढी ग्रह भी है बेटा क्योंकि तो साड़ी धरती के बेटा एक पासे है शुक्र ग्रह और दूसरे पासे है मंगल ग्रह ठीक है जो बुध शुक्र धरती ते मंगल ये बेटा सब तो जरा होटेस्ट और सब तो ब्राइटेस्ट सब तो चमकीला ग्रह तो सब तो गर्म ग्रह भी बेटा आही शुक्र ग्रह है तो तुसी याद रखना शुक्र ग्रह बारे चलिए इन भेज दी आप बेटा हूँ आप धरती तुम्हें दिखाव कि पुलाड़ दे विच्चों जी अपनी धरती है वह किस तरह की नज़र आती है धरती साड़ी बड़ी प्यारी साड़ी धरती बड़ी प्यारी आ देखो बेटा सब तो न्यारी साड़ी धरती बड़ी प्यारी देखो किन्नी खूबसूरत जो लग रही है ना देखो और ये अपना बेटा पूर्व दिशा ये पछम और ये जी घूमन की जो दिशा है बेटा ये इस तरह है पछम तो पूर्व ये अपना देश भारत और ये जरा ब्लू कलर है जो बेटा नीला रंग है ये दिखाता है पानी नू और ये जड़े सारे बेटा ये थल पाग है तो तुसी बच्चे तो जानते हो कि साडे कोल 71% पाग जो है पानी का है और 29 जो है प्रतिशत पाग वो साडा थल पाग है तो पुलाड़ दे विचों बेटा जो धरती है जड़ा पानी है वो नीले रंग का दिखाई देता है तो इस करके धरती नू नीला ग्रह भी कह दिता जाता है तो क्योंकि जरा पानी है साड़ी केवल धरती के उपर ही है ऐसे करके जैसे इन पानी ग्रह भी बेटा कह दें देखो ठीक है जल ग्रह कह दें पानी ग्रह कह दें नीला ग्रह बेटा असं कह दें धरती और धरती का बेटा एक ही जड़ा है चंद्रमा जड़ा उपग्रह है वह है चंद्रमा बेटा ओके तो जिन्हें भी बेटा ग्रह ने ना ये सारे के सारे सूरज के दुआले चक्कर लगाते हैं तो इन्हों की ना अपनी रोशनी बेटा नहीं होंगी जो तो सूरज की ही रोशनी पैंती है तो फिर बेटा ये चमकते हैं तो ये तुम्हें जरा ख्याल करना है तो जोड़े बेटा है उपग्रह जोड़े उपग्रह है वो सूरज के दुआले चक्कर नहीं लाते जिमें हम मान लो चंद्रमा है बेटा चंद्रमा साड़ी धरती का उपग्रह है तो इस करके वो साड़ी धरती के दुआले ही चक्कर लगा बेटा तुम मैं दिखाना बेटा देखो ये जरा अपनी धरती है बेटा और ये जरा है चंद्रमा घूम रहा है देखो चंद्रमा को अगर मैं लेके आवा तो देखो आ चंद्रमा है बेटा ये साड़ी धरती तो नाल जिहड़ा साडा बेटा आ मून चंद्रमा ठीक है प्यारे बच्चों तो साड़ी धरती का ये एक ही जिहड़ा है उपग्रह है और जिहड़ी साड़ी धरती है बेटा ये सूरज के दुआले 365.25 यानी कि 365 सही आप 1/4 भी कह दें हैं
ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧੁਰੀ ਦੁਆਲੇ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧੁਰੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਹੈ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੇਟਾ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚਲੀਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 27 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜੋ ਹੈ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ 27 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਧੁਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੀ ਧੁਰੀ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੇਵਲ 7 ਘੰਟੇ ਬੇਟਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ? 7 ਘੰਟੇ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੀ ਧੁਰੀ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ 27 ਘੰਟੇ। ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ 8 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 88 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੋ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਲੀਏ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਚੰਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਲ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 150। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਰੀਆਭੱਟ, ਔਰ ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਸੀ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਣਿਤ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਰੀਆਭੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਸੂਰਜ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਣਾ ਮਾਮਾ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ 384,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਬੱਚੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ, 384,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਇਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਬੇਟਾ 21 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ? 21 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਐਸਟਰੋਇਡ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛਲ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲੇ ਦਾ ਪੁੱਛਲ ਤਾਰਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 75-76 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ? 75 ਜਾਂ 76 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਵਗੈਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਐਸਟਰੋਇਡ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਬੇਟਾ ਚਪਟੀ ਹੈ,
ਤੇ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੰਨ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੈ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਇਹ ਸੂਰਜ ਨੇ। ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ, ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੇਟਾ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਸੂਰਜ ਇੱਧਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਜੋ ਪਾਸਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਓਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਾਤ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚੰਨ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਚੰਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਬੜਾ ਚਪਟਾ ਗੋਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਬੇਟਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਧੁਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਧੁਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਉੱਤਰੀ ਧੁਰਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਧੁਰਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਧੁਰਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੋਂ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੇਟਾ 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹੈ 12,712 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਜਿਹੜੇ ਧਰੁਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਆਸ 12,712 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਸ ਹੈ ਬੇਟਾ 12,756 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 12,756, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰੁਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜੀ 12,712 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰੁਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ 44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਆਂਸਰਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਆਮ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਸੂਰਜ, ਆਕਾਸ਼, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਧਰਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਬੇਟਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬੇਟਾ। ਯੈਸ, ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ? ਬੁੱਧ, ਸ਼ਨੀ, ਧਰਤੀ, ਮੰਗਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਜੋ ਹੈ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਟਾ, 365 ਦਿਨ 6 ਘੰਟੇ, 1/4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਬੇਟਾ ਬਣਦੇ ਨੇ 365 ਦਿਨ 6 ਘੰਟੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੇਟਾ।
हाँ जी, ध्यान नाल देखो सारे, जदों धरती सूरज अते चन्न दे विचकार आउंदी है तां हेठ लिखियां विचों की हुंदा है? चन्न ग्रह, सूरज ग्रह, पुन्या, मस्या। तुहानूं बड़ा सारा दिखाया सी, तुसीं देखिया है बिल्कुल, तां तुहाडा जवाब बिल्कुल सही है। चन्न ग्रह बेटा जदों उदों हुंदा है, और चन्न धरती दी परिक्रमा किन्ने दिनां विच पूरी करदा है? हाँ जी बिल्कुल सही जवाब बेटा, 87 दिन। और जिहड़ा चन्न है यह धरती तो दूर किन्ना है? हाँ, तुहानूं मैं बड़ा दस्सिया सी लैक्चर दे विच, 384,400 किलोमीटर। गुड बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, चन्न दी सतह उपर कदम रखन वाला पहला पुलाड़ यात्री कौन सी? हाँ जी, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, नील आर्मस्ट्रांग, सुनीता विलियम्स। तो सब तो पहले बेटा सी नील आर्मस्ट्रांग। चलिए खाली थावा बेटा, हम तुसी मैं दसना है दे विच, दूरी दे आधार ते सूरज साड़ी धरती तो कितने किलोमीटर दूर है बेटा? अपनी जी गल हुई सी, हाँ बच्चे बहुत सारे खड़ा कर रहे ने, दैट्स वेरी नाइस बेटा। तो ये अपनी जी है बेटा, जो सूरज है वह साड़ी धरती तो दूर हैगा 15 करोड़ किलोमीटर। किना जी? 15 करोड़। हाँ जी, सारे बच्चे ये नोट कर लैन, 15 करोड़ किलोमीटर। धरती का केवल एक ही उपग्रह है और जिसका नाम चन्न बेटा। आप किन्नी सैर करके आए हैं, जिसका नाम चन्न या चंद्रमा आप कह दें बेटा। हाँ जी, जेडे आकाशी पिंड अपनी रोशनी करके, जिन्हों की अपनी रोशनी होंगी है बेटा, असी उन्होंने कहने तारे। ओके, क्योंकि तारे की बेटा आपकी रोशनी होंगी है, लेकिन जेडे ग्रह ने या उपग्रह है उन्होंने आपकी रोशनी नहीं होंगी। तो सूरज भी जरा है अपनी रोशनी करके चमक रहा है, इस करके सूरज भी एक तारा है। की है? सूरज भी एक तारा है। हुन तुसी सोचोगे भी जे तारा है तो फिर सानू तो यह बहुत वड्डा नज़र आ रहा है। एदा कारण बेटा ये है कि जरा सूरज है वह बाकी तारों के मुकाबले साड़ी धरती के नज़दीक है, इस करके जरा सानू ये वड्डा नज़र आउंदा बेटा। ओके, और तुहानू ये भी पता है भी जिहड़े तारे टिमटिमाउंदे ने, क्योंकि जो उन्हां दा प्रकाश है बेटा धरती तक जो आउंदा है तो वायुमंडल दियां वख-वख परतां होंदियां बेटा, तो उन्हां परतां दे विचों दी हुंदा होया जो आउंदा है, तो इस करके जिहड़ा है प्रकाश टिमटिमाउंदा है बेटा। जो तारे ने वह टिमटिमाउंदे ने, क्योंकि जिहड़ियां लेयर्स ने वह उपर थले हुंदियां रहिंदियां, किसी विच जो संघनी हुंदी है कोई विरली हुंदी है, तो इस करके जो तारे ने सानू वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। और सूरज की रोशनी धरती से किन्ने मिनट विच? हाँ जी, 8 मिनट दे विच बेटा पहुँचती है। जो सूरज की रोशनी धरती दे विच 8 मिनट विच पहुँचती है, तो चन्न अपने तुरे दुआले 7 घंटे। किन्ने जी? 7 घंटे। धरती दुआले 27 दिन और तुरे दुआले 7 घंटे। ये नाम ने बेटा सारे छोटे वड्डे ग्रह मिला के सारे, देखो ये सूरज हो गया, ये बोलो हाँ जी बुध, शुक्र, धरती, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस ते नेपच्यून। बिल्कुल सही बेटा। तो जो साड़ी धरती है वो दूरी के हिसाब नाल 3रे नंबर ते है, और आकार के हिसाब नाल बेटा 5वें नंबर ते है, क्योंकि ये सारे ही ग्रह जिहड़े 4 ग्रह ने ये साड़ी धरती तो वड्डे है, 5वां नंबर अपनी धरती का। चलो बेटा जाते जाते फटाफट, सूरज ग्रह धरती चन्न निक्के वड्डे सारे ब्रह्मांड भी स्थित ने। बिल्कुल सही। तो सूरजी परिवार के 2 ग्रह शुक्र ते यूरेनस, नहीं ये गलत है बेटा, क्योंकि शुक्र ही घूमता बस। तो प्रकाश 1 मिनट सही है, 8.5 ग्रह ने ये भी सही है, तो रोशनी
गर्म होंगी है सही है। ओके जी बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।